सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है जन्मदिन को। बीजेपी नेता हैं और केक काट रहे हैं, लेकिन केक काट रहे हैं चाकू से नहीं तलवार से, और तलवार लेकर नाचते भी नजर आए। देखिए जरा ये तलवार से क्या केक काटा जाता है। तो यहां तो यही हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, रिश्तेदार के बर्थडे पर तलवार से केक काटा, अपने अकाउंट से वीडियो भी शेयर किया। अब पुलिस ने वीडियो पर अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है। भवर कुआं इलाके का ये पूरा मामला है। तो देखिए तलवार बाकायदा दिखाई भी जा रही है, और रिश्तेदार का जन्मदिन था और वहां पर कुछ इस तरीके से ये केक काटा गया। ये बड़ा हैरान करता है। एक दोहा भी है कि तलवार जहां सुई से काम हो वहां तलवार का काम नहीं चलता, लेकिन यहां देखिए जहां चाकू का काम है वहां तलवार से केक काटा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया और विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 79 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने यह फैसला किया है। अनुशासन समिति की बैठक में गंभीर शिकायतों की जांच होगी, उसके बाद कुछ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जिन 150 नेताओं की शिकायत मिली थी उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी इस चुनाव में, उन 79 लोगों के निष्कासन पर हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पर भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस में हाहाकार मचा है, जिसके बाद कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हार पर लगातार मंथन चल रहा था। इस दौरान भीतरघातियों को कार्रवाई की मांग उठी थी, जिसके बाद पार्टी ने ये कार्रवाई की है। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व कांग्रेस विधायक ने हाथ का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी में ये शामिल हो गए। बताएं कि मुरैना से टिकट कटने से राकेश मावई नाराज चल रहे थे, और केवल राकेश मावई ने एक कांग्रेस नेता और जो है उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। परम सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राकेश मावई, इनको भी टिकट नहीं मिला था, ये भी जो है शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। और छतरपुर में खेत में पानी डालने के विवाद में दबंगों ने दो परिवारों के साथ जमकर मारपीट की है। घर में घुसकर परिवार के सदस्यों की लाठी